हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द अम्ब्रेला लाइक वाइट स्ट्रक्चर आर जनरली अवेलेबल इन अ पैकेट फॉर सेल इन अ वेजिटेबल मार्केट विद द ऑनसेट ऑफ विंटर सीजन। व्हाट आर दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड? टू विच ग्रुप दिस बिलोंग? आर ऑल सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विच यू रीड इन योर बायोलॉजी बुक्स एडिबल? नेम द कॉमन एडिबल नाम द नेम द कॉमन एडिबल फॉर्म्स। वॉट is its nutrient value? What is its nutrient value? तो हमें क्या बोला है, एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर वाइट एक अम्ब्रेला वाइट स्ट्रक्चर जनरली अवेलेबल होता है पैकेट में फॉर द सेल इन वेजिटेबल मार्केट। विंटर सीजन चालू होते है तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कौन से ग्रुप से वो बिलोंग करता है ये हमें बताना है। क्या आर ऑल सच स्ट्रक्चर, ये जो वाइट अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, क्या वो सब स्ट्रक्चर जो आप बायोलॉजी बुक में पढ़ते हो सब एडिबल है? हमें कॉमन नेम बताना है, कॉमन एडिबल फॉर्म बताना है उस स्ट्रक्चर का, और उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या क्या है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट हियर इज फंगाई। की कॉन्सेप्ट हियर इज फंगाई। तो अगर हमें एक्सप्लेनेशन पार्ट से स्टार्ट करो, एक्सप्लेनेशन पार्ट। सो द अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर ए, द अम्ब्रेला लाइक वाइट स्ट्रक्चर which are generally available in a packet for sale, available in a vegetable market is your mushroom। तो वो मशरूम होता है, वाइट अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है ना जो वेजिटेबल मार्केट में सेल करते हैं, वो मशरूम रहता है, उस मशरूम को हम मतलब खा सकते हैं। ओके, नाउ दिस मशरूम इज बिलोंग फ्रॉम, अभी इसका ग्रुप पूछा है, सो मशरूम्स बिलोंग्स फ्रॉम किंगडम फंगाई। ये क्या है फंगस है। तो मशरूम्स होते हैं वो अम्ब्रेला लाइक वाइट स्ट्रक्चर जो मार्केट में सेल किया जाता है, और मशरूम्स बिलोंग करता है फंगाई से। नाउ आर ऑल सच, सेकेंड क्वेश्चन में बोला है, आर ऑल सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विच यू रीड इन योर बायोलॉजी इज एडिबल, मतलब ऑल टाइप ऑफ मशरूम इज एडिबल, किंगडम फंगाई में आपने जितने टाइप के मशरूम पढ़े वो सब एडिबल है क्या, ये हमें पूछा है। तो इसका आंसर रहेगा नो, ऑल स्पीशीज ऑफ मशरूम्स आर नॉट एडिबल because some of them are सब मशरूम के स्पीसीज एडिबल नहीं होते, some of them are highly poisonous क्योंकि उनमें बहुत सारे ऐसे पॉइजनस सब्सटेंस है जो सीक्रेट होते हैं, अगर उनको आप कंज्यूम करोगे तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो जो एडिबल मशरूम है जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। तो एडिबल मशरूम अगर मैं बात करूँ एक एग्जाम्पल, तो एडिबल मशरूम का एग्जाम्पल है आपका अगारिकस बाइस्पोरस। तो अगारिकस बाइस्पोरस एक एडिबल मशरूम है जिसे हम क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन जितने भी मशरूम के स्पीसीज है जरूरी नहीं है कि वो सब एडिबल हो, क्योंकि सम ऑफ देम आर हाईली पॉइजनस, अगर उन्हें हमने खाया तो हमारी डेथ भी हो सकती है।
तो खाली कुछ एडिबल मशरूम्स होते हैं जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं, सब मशरूम के स्पीसीज, मशरूम के जितने भी स्पीसीज हैं उनको एडिबल, हम वो एडिबल नहीं है, खाली कुछ स्पीसीज ही है जो एडिबल है। जैसे इसका एक एग्जांपल दिया मैंने, अगारिकस बाइस्पोरस। देन सी में पूछा है व्हाट इज अ न्यूट्रिटिव वैल्यू, तो न्यूट्रिटिव वैल्यू पूछा हमें, न्यूट्रिएंट वैल्यू, क्या पूछा है, न्यूट्रिएंट वैल्यू पूछा है, न्यूट्रिएंट वैल्यू। तो न्यूट्रिएंट वैल्यू किसके लिए हम मशरूम्स कंज्यूम करते हैं, बिकॉज मशरूम इज कंज्यूम बिकॉज दे आर रिच इन, बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल्स, मिनरल्स विटामिन्स, मिनरल्स विटामिन्स एंड एसेट्रा। तो वो क्या रहते हैं, वो जो एडिबल मशरूम्स होते हैं ना, उनमें मिनरल्स विटामिन सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या है, कि दे आर रिच इन मिनरल्स विटामिन एंड एसेट्रा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है कि वो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम मशरूम। एंड द मशरूम बिलोंग फ्रॉम विच ग्रुप्स, उसी में सब पार्ट पूछा है, तो मशरूम बिलोंग्स फ्रॉम किंगडम फंगाई, किंगडम फंगाई। देन आर ऑल सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विच डू यू रीड इन योर बायोलॉजी बुक एडिबल्स, नेम द कॉमन एडिबल फॉर्म। सो नो, ऑल स्पीसीज ऑफ मशरूम्स आर नॉट एडिबल, सम ऑफ देम आर हाईली पॉइजनस। मतलब जितने भी मशरूम के स्पीसीज है वो जरूरी नहीं है कि सब एडिबल हो, उसमें से कुछ हाईली पॉइजनस होते हैं और कुछ ही होते हैं जिसे हम एडिबल मशरूम बोल सकते हैं और जिन्हें हम खा सकते हैं। उसका एक एग्जाम्पल मैंने दिया, अगारिकस बाइस्पोरस। एंड वॉट आर द न्यूट्रिटिव वैल्यू, दे आर रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन, वो रिच होते हैं मिनरल्स और विटामिन में, इसलिए हम उन्हें क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।